हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और अभी लगभग बज रहे हैं 7। और मैं ना आज डॉक्टर के यहाँ गई थी क्योंकि जो मेरे बाल जो गिर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा गिर रहा है। और जो मैं कपिवा ब्रांड मंगाई थी पीने वाला जूस, वो एकदम फायदा नहीं किया और मेरा बहुत ज्यादा ही एक दिन में 1000 बाल लगभग गिर रहे थे। तो मैं आज फाइनली डॉक्टर के पास गई थी और आप देखिएगा, पूरा बाल मेरा साफ हो गया है। तो इसीलिए मैं और इंतजार नहीं की। मेरा बाल ना घना था, बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो मैं उसको पी लगभग ज्यादा दिन हो गया और फायदा करना रहता तो हो जाता, लेकिन मेरा और ज्यादा गिरने लगा, मुझे नहीं सूट किया। तो मैं आज डॉक्टर के यहाँ गई थी और मैं अभी आधा घंटा हो गया है डॉक्टर के यहाँ से आ गई हूँ। तो होम्योपैथ का ही दवा लेकर के आई हूँ। तो डॉक्टर ऐसे बोले हैं कि बहुत से रीजन से बाल गिर सकता है। तो मैं डर गई थी कहीं मैं डाइट जो कर रही हूँ 6-7 महीने से, इसके चलते तो बाल मेरे नहीं गिर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर से पूछी तो वो बोले कि नहीं, डाइट के चलते जो है ना, बाल आपके नहीं गिर रहे हैं, कुछ और रीजन भी हो सकता है। तो वो दवा दिए हैं, तो मैं दवा लाई हूँ और देखती हूँ दवा क्या होता है, खाती हूँ तो फायदा करता है कि नहीं फायदा करता है। तो मेरा जो ब्लॉग है अभी से शुरू है और अभी तो इवनिंग का टाइम है और इवनिंग क्या डिनर का तैयारी करने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मेरे बच्चों का ये बोला था कि वो लोग आज खाने में उन लोगों को सिर्फ चाउमीन खाना है और इन लोगों को ना सिर्फ फास्ट फूड ही पसंद है, जो कि मैं एकदम तैयार नहीं होती हूँ बनाने का। हाँ, कभी काल ठीक है, लेकिन बहुत दिन हो गया था, ये लोग दशहरे में ही खाया था चाउमीन। तो फिर मैं आज चाउमीन का ही तैयारी करूंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे चाउमीन बनाती हूँ। तो वीडियो छोटी सी है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और अब मैं चाउमीन बनाने का तैयारी करती हूँ। तो अभी मैं पत्ता गोभी काट ली हूँ और प्याज काट ली हूँ, हरी मिर्च काटना बाकी है। और मैं यहाँ चाउमीन मसाला ले ली हूँ और चिकन मसाला ले ली हूँ और सॉस ले ली हूँ। और यहाँ पे मैं चाउमीन को पहले से बॉयल करके रख ली हूँ। तो यहाँ अब मैं चाउमीन बनाना शुरू कर दी हूँ और ये रात का टाइम है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कढ़ाई रख दी थी गरम करने के लिए, और लोहे की कढ़ाई में ना ये चाउमीन जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, मतलब अच्छे से वो भुना जाता है। क्योंकि चाउमीन में ये है ना कि जितना अच्छे से उसको आप भुनिएगा उतना अच्छा उसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं जो सब्जियाँ काटी थी, पत्ता गोभी और हरी मिर्च प्याज, ये सब मैं डाल दी थी और हल्का सा भुनी थी। उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ और इसको भी मैं भूनते रहूँगी। और जब ये अच्छे से भुना जाएगा और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चाउमीन। और मैं ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाउमीन नहीं भूनती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दूंगी ना तो कढ़ाई तो छोटी है तो ये अच्छे से भुना नहीं पाएगा, फिर इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो जैसे मैं चाउमीन डाली हूँ, इसमें मैं चाउमीन मसाला और थोड़ा सा चिकन मसाला और गोल मिर्च पाउडर और नमक, ये सब मैं डाल करके और इसको अच्छे से मैं इसको चलाऊँगी और अच्छे से चलाते हुए इसको भूनूंगी। और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जो लोग चाउमीन खाना पसंद करते हैं तो आप लोग एक बार मेरे तरीके से भी बनाइएगा। और जब मेरा चाउमीन भुना गया है तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो सॉस और सोया सॉस, और ये सब डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनी हूँ। और अब ये मेरा जो चाउमीन है बनके तैयार हो गया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और मेरे यहाँ ना मेरे बच्चे बाहर भी खाते हैं तो उन लोग को मेरे हाथ वाला ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो देखिएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आ जाइए आप लोग भी, और चाउमीन बनके तैयार है। और कैसा लगा मेरा ये रेसिपी?